हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन IAS एकेडमी। आज का जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो क्या है, राइनोसीरोस। इसको तुम कनेक्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट के टॉपिक से। अब राइनोसीरोस की अभी रिसेंटली के एक स्टडी हुई है, किसके अंदर, ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी, उन्होंने के डिफरेंट जो राइनोसीरोस है उसके पीचर्स को स्टडी किया है, जो पहले के पीचर्स थे अभी के पीचर्स, ऐसा एनालाइज किए कि जो उनके हॉर्न्स थे उनका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया, हंटिंग की वजह से। वैसे भी इनके जो हॉर्न्स हैं उनकी क्या होती थी, इलीगल पोचिंग होती थी, इलीगली सेल हुआ करते थे। 5 स्पीशीज होती है राइनोसोरस की, कौन कौन सी, वाइट राइनोस, ब्लैक राइनोस, ग्रेट वन हॉर्न राइनोस, जावन राइनोस एंड सुमात्रन राइनोस। अब सभी राइनोस के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, वाइट राइनोस। जो वाइट राइनोस है उनका कहाँ पे है, सबसे पहले अफ्रीका में मिलते हैं। अगर IUCN स्टेटस देखें तो ये नियर थ्रेट है, मतलब इसकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जब ब्लैक राइनोस होते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन, लेस देन 50 इंडिविजुअल्स, ये भी अफ्रीका में रहते हैं। ये स्मॉलेस्ट है, अगर देखें वाइट और ब्लैक का कंपैरिजन देखें तो जो ब्लैक वाली राइनोस होते हैं वो क्या, स्मॉल साइज के होते हैं एज कंपेरेटिव टू वाइट राइनोस। ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जिसकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रेटर दैन 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के असम वगैरह रीजन में रहती है, ये क्या वल्नरेबल है। और ये सभी राइनो से सबसे लार्जेस्ट हैं। वन हॉर्न से ही पता चल गया इसका क्या होगा, वन हॉर्न होगा। जावन राइनोस नाम से पता लग रहा है कि ये कहाँ पे रहते हैं, जावा में रहते हैं, ये भी क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो सुमात्रन राइनोस हैं ये भी सुमात्रा में रहते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये जो स्पीशीज है सुमात्रन राइनोस की वो क्या अभी एक्सटिंक्ट हो गया मलेशिया में। अब हम पढ़ लेते हैं ग्रेट वन हॉर्न राइनो, क्योंकि ये क्या है, इंडिया में पाया जाता है। इसका बहुत स्मॉल हैबिटेट्स है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इंडो नेपाल तराई हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, मतलब इस एरियाज में जो है वन हॉर्न राइनो की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। जो वन हॉर्न राइनोस होते हैं वो ब्राउनिश ग्रे कलर के होते हैं, इनके ज़्यादा हेयर्स नहीं होते, ये मोस्टली क्या होते हैं, ग्रेजर्स होते हैं, मतलब घास खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। अगर इनको घास ना भी मिले तो ये पानी में चले जाते हैं, तो पानी में जो घास लगा होता है उसको खा लेते हैं। अगर इसके हाईएस्ट डेंसिटी देखें, मतलब पर यूनिट एरिया देखें, तो ये पॉबिटरा में सबसे ज़्यादा है इन आसाम, बट जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो काजीरंगा में पाई जाती है। अगर हम इसका IUCN स्टेटस देखें, ये वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है, मतलब इसको बहुत लार्जेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। इसके लिए कुछ इंडिया ने कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ताकि हम राइनोसीरोस की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन कर सकें। जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, इसमें 5 नेशन कंट्रीज है, कौन कौन सी, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ राइनोसीरोस। सेकेंड, इंडिया राइनो विजन 2020, इसके अंदर क्या है, जो हमने राइनोसीरोस की पॉपुलेशन है वो इंडिया में क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। थर्ड क्या, राइनो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। अब राइनोस को क्या, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत सारे राइनोस क्या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से डाई हो जाते हैं। सेकेंड जो है वो क्या, पोचिंग का हो गया, इलीगल हंटिंग होती है इनकी, जो इनका हॉर्न्स होता है जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। थर्ड क्या हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे जैसे अर्बेनाइजेशन हो रहा है तो हम क्या, जो फॉरेस्ट एरिया वो क्या क्लियर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्यों राइनोसीरोस है उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये तो हमने पढ़ ली कि क्या क्या थ्रेट्स हैं राइनोसीरोस को। दिस इज ऑल अबाउट द राइनोसीरोस। थैंक यू।